स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईकेआई टेक्निकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जनरेटर के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो आज का हमारा टॉपिक है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो आज जानेंगे कि डीसी कंपाउंड जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। तो डीसी जनरेटर को दो टाइप में बांटा जाता है, संयोजन के आधार पर दो टाइप में बांटा जाता है। पहला होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर ये संयोजन के आधार पर बांटा गया है। अब इसको हम फिर दो भागों में बांटते हैं। जो पहला होता है उसे बोलते हैं कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, और दूसरा होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब फिर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और सेकेंड इसका पार्ट होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को संयोजन के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। पहला है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इन दोनों को भी दो भाग में बांटा गया है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को भी दो भागों में, पहला होता है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इसी तरह से शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को भी बांटा गया है। जो पहला है इसका कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसका संयोजन कैसे करते हैं। ठीक है, और इसमें कितनी फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग के साथ हम कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में, इसके बाद हम शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें जब हम संयोजन करते हैं तो इसमें हम धारा की दिशा को देखते हैं। धारा की दिशा को हम क्या करते हैं कि आप जब फिगर देखते होंगे तो उसमें दो आपको फील्ड वाइंडिंग दिखते होंगे, और एक आर्मेचर वाइंडिंग दिखता होगा। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि ये लॉन्ग शंट कम्युलेटिव है या लॉन्ग शंट डिफरेंशियल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉन्ग शंट क्या होता है, लॉन्ग शंट के बारे में समझते हैं। लॉन्ग शंट का मतलब ये होता है कि जब किसी आर्मेचर और जो आपकी जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग होती है यानी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसको सीरीज में जोड़ के, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को और आर्मेचर को जब आप सीरीज में जोड़ते हैं और इन दोनों के समानांतर में जब शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं तो जो आपको संयोजन मिलता है जनरेटर का उसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग शंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखिए आर्मेचर और जो आपकी श्रेणी फील्ड वाइंडिंग फील्ड कुंडलन
ठीक। और ये है आपका आर्मेचर, आर्मेचर कुंडलन, ठीक, या आर्मेचर बोल सकते हैं। और ये आपका है संट कुंडलन, संट कुंडलन, ठीक। फिर देखिए समझने की कोशिश करिए, संट कुंडलन को जब आर्मेचर और फील्ड को श्रेणी में जोड़ करके, जब आर्मेचर और फील्ड को श्रेणी में जोड़ करके इन दोनों के समांतर, दोनों के मतलब आर्मेचर और श्रेणी फील्ड कुंडलन को जोड़ने के बाद इन दोनों के समांतर में हम जब संट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ते हैं तो लॉन्ग संट कहलाता है, ठीक, लॉन्ग संट कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अब कम्युलेटिव कैसे कहा जाएगा। कम्युलेटिव का मतलब होता है कि जो आपकी श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है और जो संट फील्ड वाइंडिंग है, जब दोनों में धारा की दिशा एक समान हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आर्मेचर में ईएमएफ जब इंड्यूस होगा, ईजी जब इंड्यूस होगा, तो वो बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा तो ये आपका जो श्रेणी फील्ड कुंडलन है उससे होकर के ही जाएगा ना, तो इसकी दिशा कैसी हुई, हो गई, कैसे हो गई, ऊपर की तरफ है, ठीक। अब देखिए इसकी दिशा देखिए, अगर इसकी दिशा देखिए तो करंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक, तो दिशा हो गई नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा है, तो हमें बनाना है कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो दिशा इस श्रेणी फील्ड कुंडलन की होगी, जो दिशा यानी श्रेणी फील्ड कुंडलन में धारा की जो दिशा होगी वही दिशा इस संट कुंडलन की भी होनी चाहिए। तो इसकी दिशा कैसे होगी, देखिए कुछ इस तरह से आपको बाइंड करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से संट कुंडलन का संयोजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको जोड़ना पड़ेगा इस तरह से और इसे आपको जोड़ना पड़ेगा इधर से, ठीक। अब इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ जो श्रेणी फील्ड कुंडलन की दिशा है ये ऊपर की तरफ है। अब देखिए ये धारा ऐसे फ्लो होगी, इधर से आएगी, फिर किधर जाएगी, इस तरह जाएगी ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कुंडलन है उसमें धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है ना। और यहाँ पे जो श्रेणी कुंडलन है यहाँ भी धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। संट कुंडलन में भी धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। और श्रेणी कुंडलन में भी धारा की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जब धारा की दिशा ऊपर की तरफ हो, यानी जब धारा की दिशा समान हो, ठीक है, एक समान हो, या तो ऊपर फ्लो करे या तो नीचे फ्लो करे, तब हम बोलेंगे कि ये कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र है, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र है। और लॉन्ग संट कब बोलेंगे, जब आर्मेचर और श्रेणी कुंडलन को जोड़ने के बाद इन दोनों के पैरेलल में जब संट कुंडलन को जोड़ते हैं तब उसे बोलते हैं लॉन्ग संट, ठीक। तो ये आपका जो फिगर दिख रहा है ये लॉन्ग संट कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र का है, ठीक है। लॉन्ग संट क्यों बोला गया, क्योंकि आर्मेचर और श्रेणी कुंडलन के समांतर में आपका संट कुंडलन जोड़ा गया है। कम्युलेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि जो दोनों फील्ड वाइंडिंग है, श्रेणी फील्ड कुंडलन और संट फील्ड कुंडलन, इनमें धारा की दिशा एक समान है, इधर भी ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रहा है और इधर भी ऊपर की तरफ ही प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो ये चित्र हो गया लॉन्ग संट कम्युलेटिव कंपाउंड का, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इस फील्ड में, इस फील्ड में करंट कितना होगा, इस फील्ड में ISH बराबर क्या होता है, तो संट कुंडलन में जो धारा का प्रवाह होगा वो हो जाएगा V बटा में RSS हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा जिसे कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, यानी इसको हम टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अब हम जनरेट ईएमएफ का फार्मूला निकालते हैं। तो जनरेट ईएमएफ का फार्मूला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा कि जो आर्मेचर में ईजी उत्पन्न हुआ है वो कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है। तो सबसे पहले तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा इस आर्मेचर में भी ड्रॉप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, IaRa बोलते हैं। और यहाँ पे श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है तो यहाँ भी ड्रॉप होगा, IsE RsE ड्रॉप होगा। और इसके बाद आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, इसका मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज और श्रेणी में जो श्रेणी कुंडलन में जो लॉसेज हो रहा है उसे जोड़ दें और आर्मेचर प्रतिक्रिया के द्वारा जो लॉसेज हो रहा है उसे जोड़ दें, तो आपको ईजी का मान पता हो जाएगा, यानी ईजी बराबर हो जाएगा IaRa प्लस IsE RsE प्लस VT, ठीक है। तो ये हो गया ईजी का
फार्मूला। अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज याद करना है तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा Eg माइनस IaRa माइनस IsERSe। तो यहाँ से आप टर्मिनल वोल्टेज का भी फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको देखना है कि जो इसमें आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न हो रहा है, अब वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो आर्मेचर में करंट पहले फील्ड में गया, इसका मतलब कि जो करंट आर्मेचर में उत्पन्न हुआ है वही सेम करंट आपके श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में भी गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई ए बराबर आई एस सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद ये करंट कहाँ जा रहा है, इधर भी तो जा रहा है, सन कुंडल में भी तो जा रहा है और लोड में भी जा रहा है। इसका मतलब कि आई ए बराबर क्या हो जाएगा, आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्मेचर धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग सम डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है कि धारा का विपरीत दिशा में, धारा यानी जो फ्लक्स जो उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं। और लॉन्ग सम कंपाउंड, लॉन्ग सम कम्युलेटिव कंपाउंड जनित में क्या होता था, जो फ्लक्स होते हैं यानी जो आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो फाई एस एच प्लस फाई एस ई के बराबर होता है। ये जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न होते हैं ये एक दूसरे के सहायक होते हैं, इसलिए जो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स होता है वो फाई एस एच और फाई एस ई के बराबर होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपका टर्मिनल वोल्टेज का भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो ईजी का फार्मूला है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और करंट का भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है, यहाँ जितने भी फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये फिगर, तो फिगर को आपको ध्यान में रखना है, फिगर को आपको ध्यान रखना है और ये देखना है कि धारा की दिशा एक दिशा में है या विपरीत दिशा में है। अगर एक दिशा में होगा तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनित होगा, अगर विपरीत दिशा में होगा तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित होगा। तो चलिए लॉन्ग सम डिफरेंशियल कंपाउंड जनित के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। अब लॉन्ग सम डिफरेंशियल कंपाउंड का मतलब, पहले लॉन्ग सम के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि लॉन्ग सम किसे कहते हैं। लॉन्ग सम कब कहते हैं, जब आर्मेचर और श्रेणी फील्ड बाइंडिंग को सीरीज में जोड़ करके उन दोनों के अक्रॉस में शंट बाइंडिंग को जोड़ा जाता है तो उसे लॉन्ग सम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे चलिए बना के आपको दिखलाते हैं, ये हो गया आपका आर्मेचर, ठीक। अब इसके बाद लॉन्ग सम बनाना है तो क्या करना है, इनको सीरीज में जोड़ लिए, अब इन दोनों के पैरेलल में आपको क्या करना है, आपको शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ना है, ठीक है। ये है शंट फील्ड बाइंडिंग और ये है श्रेणी फील्ड बाइंडिंग और ये क्या है आपका आर्मेचर है, ठीक। और ये आपके दो टर्मिनल होंगे, ये होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, यहाँ भी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको जो वोल्टेज मिलेगा उसे बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। जब आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति होगी, यानी धारा जब प्रवाहित होगी आर्मेचर से होकर के जाएगी, तो जो ये आपकी श्रेणी फील्ड बाइंडिंग है, श्रेणी जो फील्ड बाइंडिंग है इससे भी होकर के जाएगी, ठीक। तो इसकी दिशा किधर होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, नीचे से ऊपर की तरफ होगी, ठीक। अब इसमें जो आपका शंट फील्ड बाइंडिंग है, शंट फील्ड बाइंडिंग है, अब इसमें आपको देखना है कि इसमें धारा की दिशा किधर होनी चाहिए। तो देखिए धारा फ्लो होगा, इसका मतलब इसमें धारा की दिशा नीचे की तरफ है और इसमें धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, यानी श्रेणी फील्ड बाइंडिंग में धारा की दिशा ऊपर की तरफ है और शंट फील्ड बाइंडिंग में धारा की दिशा नीचे की तरफ है। इसका मतलब इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसमें फ्लक्स कौन सा उत्पन्न होगा, फाई एस एच होगा, और इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होगा फाई एस ई होगा। इसका मतलब धारा की दिशा विपरीत है तो फ्लक्स की दिशा भी विपरीत होगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो इसका रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, फाई एस एच माइनस फाई एस एच ई होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ का समीकरण क्या होता है, ईएमएफ का समीकरण आपका हो जाता है, पहले टर्मिनल वोल्टेज देख लेते हैं, टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का फार्मूला होता है बीटी बराबर ईजी माइनस आई ए आर ए प्लस आई एस ई आर एस ई, ठीक है। अब आपको ईजी का मान निकालना है, तो ईजी बराबर क्या हो जाएगा, ईजी बराबर क्या हो जाएगा, तो ईजी में जो ये वोल्टेज है कहाँ कहाँ ड्रॉप हो रहा है उसको आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण आर्मेचर में ड्रॉप होता है जिसे हम आई ए आर ए के नाम से जानते हैं। इसके आगे जब करंट जाएगा तो श्रेणी फील्ड कुंडलन में भी ड्रॉप होता है जिसे हम
ISERSC के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आर्मेचर रिएक्शन से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो आपका श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है उसको अगर जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा ईजी। इसका मतलब IARA + ISERSC + VT। अगर इसको और जोड़ लें तो ईजी का सूत्र प्राप्त हो जाएगा, यानी ईजी बराबर हो जाएगा IARA + ISERSC + टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख करके पहचानना है कि यह फिगर किसका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉन्ग सम डिफरेंशियल कंपाउंड जेनरेटर का यह फिगर बनाया गया है। तो जितने भी फिगर होते हैं आपके CVT एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको यह वीडियो शेयर करिए और उनसे बोलिए कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अपने फेसबुक ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब इस चैनल से जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और आप लोग अपने स्टेटस पे लगाइए, जैसे व्हाट्सएप हो गया या आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया है उस पर आप लोग इस वीडियो का लिंक लगाइए, और चैनल पे जितने नए हैं वो भाई लोग सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करके आप पे क्लिक कर दो। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित थ्योरी और MCQs कराए जाते हैं, और साथ ही साथ सरकारी गवर्नमेंट जॉब और ITI से संबंधित जो अप्रेंटिस वैकेंसी आती है या प्लेसमेंट होता है या कहीं कैंपस सिलेक्शन होता है, तो उन सब से संबंधित भी यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।